मैं सीमा माथुर, आज का टॉपिक है बेटा, आज की क्लास में करेंगे हम डिवीजन मेथड। जो आज की हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे डिवाइड इन शॉर्ट ट्रिक, यानी कि डिवाइड को एक बिल्कुल छोटे तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डिवाइड का सवाल हमारे सामने आता है बेटा, तो उसको हम ईजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक नई ट्रिक होगी, एक नया फॉर्मेट होगा, एक नया पैटर्न होगा हमारे सामने किसका, डिवीज़न मेथड का। ठीक है बेटा, यानी कि डिवाइड का हमारे पास क्या होगा, नया पैटर्न होगा। देखो, कोई भी संख्या होगा हमारे पास, जैसे कि 7696 को किससे डिवाइड करना है, 52 से करना है। ठीक है बेटा, 52 से करना है, तो इस संख्या को हमने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखें बेटा, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी उसको हम स्क्वायर में कर देते हैं, इसको हम भूल जाएंगे, इसको हम याद ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको याद नहीं करेंगे तो इसको कहाँ पे लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या करते हैं, देखो अब देखो, यानी कि डिवाइड किससे देना, ओनली 5 से देना। देखो 5 के टेबल को ले जाओ, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 का टेबल 1 पे जाएगा। देखो 5 1 जा 5, ओके जी। अब क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, तो 7 में से 5 गया तो क्या ना बचा, 2 बचेगा। अब देखो 5 से 2 डिवाइड जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता, तो हमें ऊपर से क्या उतारना पड़ेगा बेटा, 6 उतारना पड़ेगा, 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, ऊपर से नीचे कर लिया। अब ऊपर से कोई भी संख्या उतारेंगे, तो जो ये 2 था ना हमारा, इस 2 को यहाँ पे जो संख्या आएगी उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, उस 2 को अब माइनस कर दो, तो कितना बच गया, 4 एंड 2 का 2। अब ऊपर से तो नहीं उतारा ना, ओनली माइनस किया हमने, माइनस किया तो कैसे करेंगे, अब 5 के टेबल में लो, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। ये देखो 5 4 जा 20। अब फिर माइनस करेंगे, 4 में से 0 गए 4, और 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा हमारे पास, लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या उतरेगा बेटा, 9 आएगा। तो अब क्या बोला था मैंने, जो ये संख्या ऊपर से कोई भी संख्या नीचे उतारेंगे, तो जो वो लास्ट डिजिट हमने ली थी उसको क्या करेंगे, जो वो यहाँ पे जो आती जाएगी, अब पूरे से नहीं करना, इससे करेंगे, फिर इसके बाद जो आएगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो 2 को 4 से करते हैं, 2 4 जा कितना हो गया बेटा, 8। ठीक है, 8 को माइनस कर दो, देखो 9 में से 8 गया 1, 4 का 4 यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 41 आ गया। 41 को कैसे करेंगे, अब 5 का टेबल लो, देखो 5 8 जा 40, ये लो जी 40 आ गया हमारे पास। ठीक है, 40 आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, कितना बच गया, 1 1 बच गया, तो ऊपर कितना है हमारे पास, 16 है बेटा। ठीक है, अब 16 है, तो देखो मैंने क्या बोला था, जब ऊपर से संख्या उतारेंगे तो जो ये वाली संख्या हमारे पास, उसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा वो इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 2 8 जा 16 16 आ गया, तो देखो माइनस कर देंगे, 0 आ गया, बिल्कुल हमारा डिवाइड पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं होगी, बड़े इजी वे में होगा। अब इसी प्रकार से मैं एक दो क्वेश्चन आपको निकाल के दिखा दूँ, ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब एक सेकंड क्वेश्चन और लिया मैंने, देखो 46512 है। ठीक है, उसको किससे करना है, 102 से करना है डिवाइड। ठीक है, 102 से करना। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, जो लास्ट डिजिट होती है उसको बेटा क्या करें, हम भूल जाएं, भूल के कहाँ पे लिख दें, ऐसे लिख लें उसको। ठीक है, ऊपर अब यानी कि 10 से डिवाइड देंगे, 10 से देंगे तो 10 4 जा 40, माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 और 10 से डिवाइड नहीं जा सकता, 6 10 से डिवाइड नहीं जा सकता, तो क्या कर सकते हैं, 5 को नीचे उतारेंगे। अब बेटा क्या हो गया, 5 उतारा। मैंने क्या बोला था, ऊपर से कोई भी संख्या उतारेंगे तो जो ये संख्या इसका डबल करके हम, जो भी इसका है उससे मल्टीप्लाई करके हम करेंगे, तो 2 4 जा कितना हो गया, फिर 8 होगा बेटा, तो 8 को माइनस कर दो, 8 माइनस करेंगे 65 में से कितना बच जाएगा, देखो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए कितना बचा, 7 बच गया बेटा, और यहाँ क्या बच गया, 5 57 बच गया। अब ऊपर से हमने कोई संख्या नहीं उतारी, अब इससे डिवाइड दे दो, 10 5 जा 50 कितना बच गया, माइनस किया 7 बच गया जी, 7 बच गया, तो 7 10 से डिवाइड नहीं जा सकता, इसलिए क्या उतारेंगे, 5 हमने उतार लिया था,
ठीक है, अब क्या उतरेगा, वन उतरेगा, वन उतरा तो अब देखो ऊपर से संख्या उतारी है, फिर इसका डबल करेंगे, 5 2 10, 10 को माइनस करो कितना बच गया बेटा, 61, 61 बच गया, तो अब 10 से कर दो, 10 से करेंगे तो 6 पे चला जाएगा, 60 कितना बच गया, 1 बच गया, फिर ऊपर से क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, अब 2 ऊपर से उतारा तो इसका किसका का डबल करेंगे, इसका जो भी संख्या होगी वो करेंगे मल्टीप्लाई, 6 2 12, ये देखो माइनस किया तो 0, हमारा सॉल्यूशन, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को इस पैटर्न से करिएगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, मतलब आपको जैसे कि 102 का 102 का टेबल वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी वे में हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आएगा, वही आएगा, आप अगर उस पूरी संख्या से इस संख्या को डिवाइड दोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा बेटा, इससे इधर उधर कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब एक थर्ड क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं, ताकि आपका जो डाउट है थोड़ा बहुत और भी रह रखा हो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब फिर मैंने क्या बोला था, जो लास्ट डिजिट है उसको क्या कर देते हैं, ये लो जी सर्कल में अब 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, तो अब देखो हमने किससे डिवाइड देना है, 11 से देना है, 11 से देना है, तो देखो 11 पे अगर 7 पे लेते हो तो 77 होता है, 6 पे कितना होता है, 66, तो 6 पे ले जाते हैं, 66 आ गया, 66 आ गया, तो बेटा आगे क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कर दो बेटा, माइनस करेंगे 12 में से 6 गए 6, अब देखो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि 6 में से 6 गए 0, अब क्या उतारा 5 उतारा, अब ऊपर से उतारा तो इसको करेंगे 6 4 जगह इतना हो गया 24, ठीक है जी 24 हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस करो ये देखो 1 और 4, यानी कि कितना आ गया 41 आ गया, अब 41 11 के टेबल में आता नहीं तो 3 पे ले लेते हैं, 3 पे कितना आएगा 33 आएगा, तो ये देखो 33 आ गया हमारा, 33 आ गया, तो अब इसमें से इधर हासिल लेके, ठीक है कैरी लेके करते हैं, 11 में से 3 गया बेटे कितना बच गया 8 बच गया, अब 8 बच गया क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ऊपर से नहीं उतारा था कभी, आप ये सोचिए अब उतारेंगे, अब 8 बच गया, 8 11 से डिविजिबल नहीं है तो क्या बच, हमारे पास एक 54 है रखा हमारे पास, तो वो 54 उतार लेते हैं हम, 5 उतार लिया जी, अब ऊपर से उतारा तो 43 जा कितना हो गया 12 हो गया बेटा, माइनस कर दो 3 और 7 73 हो गया, अब करो 73 आ गया तो फिर 6 पे जाएगा क्योंकि 77 होता है 11 7 जा, तो 66 माइनस करें हम, फिर 13 में से कितने बच गए 7 बच गए बेटा, और इधर 0 आ जाएगी 7 बच गए, अब 7 बचे, ठीक है 7 बचे, तो क्या हमारा जो अगला पैटर्न वो हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, देखो अगर इस सॉल्यूशन को हम देखते हैं, 5 था यहाँ 4 था, तो 4 6 कितना हो जाएगा फिर 24, 24 होने के लिए भी हमें क्या चाहिए, अधिक संख्या चाहिए, अधिक चाहिए तो क्या करेंगे उसके लिए, ये हमारा क्या बच जाएगा, यानी कि इस संख्या को अगर इससे डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा ही बचेगा, क्योंकि ये ऐसी संख्या नहीं है जिसको पूरा डिविजिबल कर पाए, यानी कि 114 को अगर 7255 से डिवाइड आप करके पूरी से भी देखोगे जैसे टेबल से, तो 7 उसमें रिमाइंडर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आप इसको पूरे से करो या मेरी शॉर्ट ट्रिक से करो वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करना चाहते हो, बाकी ये सबसे इजी वे में है, क्या है डिवीजन मेथड की शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही, जो अगर चाहे तो आप कम टाइम में बिना समय लगाए कर सकते हैं, तो जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन किए आप उसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस करें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।